हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडी का चैप्टर 1 करेंगे जिसका नाम है इंडिया। दैट मीन्स हम आज इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया हमारा देश का नाम है, जैसा कि आप सभी को पता है। इंडिया या भारत के लोग हैं हम। इंडिया बहुत बड़ी कंट्रीज़ में से एक है। जैसे कि हमारे घर के बहुत सारे नेबरिंग हाउसेज होते हैं, आपके साइड में कोई घर है, सामने है, पीछे है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, इसी तरीके से इंडिया की भी कुछ नेबर कंट्रीज़ हैं जो इसके पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया की लोकेशन क्या है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन सी है, इंडिया का पॉलिटिकल डिवीज़न क्या है और फिजिकल डिवीज़न क्या है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंडिया, जिसको हम भारत माता या मदरलैंड भी बोलते हैं, ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। यानी कि इससे पहले 6 देश और हैं जो इससे बड़े हैं और 7th नंबर पे इंडिया है। इंडिया का एरिया यहाँ पे गिवन है आपको, इंडिया का एरिया है 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया का एरिया है, यानी कि भारत इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है, 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इंडिया से जो बड़ी कंट्रीज हैं उनके बारे में देखिए। सबसे बड़ी कंट्री जो वर्ल्ड में है वो है रशिया, सबसे बिगेस्ट कंट्री वर्ल्ड की रशिया है। सेकेंड नंबर पर है कैनेडा, थर्ड नंबर पे USA, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया एंड 7th है इंडिया। अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें कि वहाँ जनसंख्या कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक है वो 2nd है। उससे पहले कौन सी कंट्री है, चाइना। चाइना की रैंक सबसे ज़्यादा है, चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे बड़ी कंट्री है चाइना एंड 2nd नंबर पे इंडिया। लेकिन अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया की टर्न 7th नंबर पे आती है, यानी कि इससे 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो इससे बहुत बड़ी हैं। अब हम लोकेशन एंड एक्सटेंट की बात करते हैं कि भारत कहाँ पे। अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें, आपके सामने जो पिक्चर नज़र आ रही है ये क्या है, हमारा वर्ल्ड मैप है कम्प्लीट। अगर हम इसके ऊपर देखें तो इंडिया कहाँ पे है, सबसे पहले तो आप सभी ने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कॉन्टिनेंट्स, हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। तो इंडिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, एशिया कॉन्टिनेंट में आती है। ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर इंडिया है। अब ये जो आपको रेड कलर का मार्क नजर आ रहा है ये हमारी क्या है, इंडिया। ओके, इस मैप के अंदर अगर आपको इजीली फाइंड आउट करना है, इसमें तो आपको कलर गिवन, अगर कलर गिवन ना हो तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है और एशिया के अंदर नीचे जो ये आपको ट्राइंगल शेप मिलेगी वो क्या है, हमारी इंडिया। अब जो इंडिया है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो इसकी मेन लैंड है, ओके, और मेन लैंड के अलावा 2 इसके क्या है, आइलैंड्स हैं। आइलैंड एक लक्षद्वीप एंड एक अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो आप अरेबियन सी में, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये आपकी इंडिया की मेन लैंड है जो कम्प्लीट ये है। इसके अलावा आपके 2 और लैंड्स हैं आइलैंड्स, ये एक आइलैंड ये है और ये। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे आइलैंड्स आपको गिवन है। ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में है एंड ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में है। अब आप देखिए, इसके अलावा इन्होंने बताया है कि हमारी जो इंडिया है उसको अगर हम नॉर्थ यानी कि कश्मीर से और कन्याकुमारी तक स्ट्रेच करें तो उसकी 3.214 किलोमीटर एरिया वो कवर करता है। यानी कि आप एक बार देखिए, अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, लास्ट यहाँ कन्याकुमारी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो है 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर एरिया वो कवर करती है। अगर हम बात करें ईस्ट टू वेस्ट की, ईस्ट टू वेस्ट है 2933 किलोमीटर एरिया कवर करती है, यानी कि 2933 किलोमीटर एरिया कवर करती है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश हमारा इधर है एंड गुजरात इधर है, यानी कि ईस्ट से लेके और यहाँ गुजरात तक कंप्लीट एरिया जो है 2933 किलोमीटर का है। लैंड जो है इंडिया की वो 15,200 किलोमीटर लॉन्ग है, फ्रंटियर जो लैंड है, फ्रंटियर का लैंड का मतलब होता है आपकी ये लैंड, ये कंप्लीट जो है ये, ओके। एंड अगर हम सिर्फ कोस्ट लाइन की बात करें, कोस्ट लाइन वो एरिया जो समुद्र से लगा हुआ है,
यानी कि ये एरिया जो समुद्र से लगा हुआ है, ये हमारा 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर लॉन्ग है। लेकिन अगर इसके अंदर हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर दें, जो हमारे आइलैंड हैं ये लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, ये भी अगर हम इसके अंदर इंक्लूड कर दें, तो इसका एरिया है 7516 किलोमीटर। यानी कि जो एरिया समुद्र से लगता है वो टोटल एरिया है 7516 किलोमीटर, लेकिन जो सिर्फ मेन लैंड का एरिया है जो समुद्र से लगता है वो है 6100 किलोमीटर। और अगर हम पूरे फ्रंटियर की बात करें, फ्रंटियर का जो एरिया है वो कितना है हमारा, 15200 किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की नेबर कंट्री कौन कौन सी हैं। इंडिया जैसे कि हमारा घर, काफ़ी सारी बाउंड्रीज लगते हैं हमारे घर के, एक साइड में लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, एक बैक साइड है। इसी तरीके से हमारे इंडिया जो है उसकी भी काफ़ी सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनकी सीमाएं उनसे लगती हैं। जैसे कि ये देखिए आप, पाकिस्तान की सीमा यहाँ से लग रही है, पाकिस्तान की है। यहाँ से थोड़ी सी अफगानिस्तान की लगती है, ये वाली कंट्री जो है इसकी यहाँ से लगती है। अब नेपाल देखिए, नेपाल की बाउंड्रीज लग रही हैं, चाइना की हमारी यहाँ से लेके और एक कंप्लीट, फिर यहाँ पे भी टच होती है, फिर यहाँ भी भूटान की बाउंड्री यहाँ से टच हो रही है, बांग्लादेश है उसकी बाउंड्री भी टच हो रही है भारत से, म्यांमार है उसकी बाउंड्री भी भारत से टच हो रही है, श्रीलंका जो है वो भी भारत का नेबरिंग कंट्री है, इसकी सीमा भी यहाँ से टच होती है, एंड लास्ट हमारा मालदीव जो भी इसके आसपास है। ओके, अब देखिए ये जो नेबर कंट्रीज हैं ये हमारी कितनी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान दोनों ही नॉर्थ वेस्ट में है, अपर साइड हमेशा हमारा नॉर्थ होता है एंड डाउन साइड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ अगर इधर है तो ये वाला एरिया कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट एरिया। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान दोनों ही नॉर्थ वेस्ट एरिया में है, नेपाल, भूटान एंड चाइना ये दोनों, ये तीनों हमारे नॉर्थ में है, नॉर्थ डायरेक्शन में अपर साइड है, बांग्लादेश एंड म्यांमार ईस्ट साइड है, बांग्लादेश एंड म्यांमार ईस्ट साइड, श्रीलंका एंड मालदीव्स ये दोनों कंट्रीज हमारी साउथ साइड है, इंडिया के साउथ साइड है, साउथ बॉर्डर को कनेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है आपका क्विक रिविजन आपको गिवन है, देखिए ट्रू एंड फॉल्स, रशिया इज स्मॉलर देन इंडिया। हमने पढ़ा था रशिया जो है वो सबसे बड़ी कंट्री है, बिगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, फॉल्स। नेक्स्ट है इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया, बिल्कुल ट्रू है, हमने अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता है। नेक्स्ट आपका पाकिस्तान इज टू ईस्ट ऑफ इंडिया, नो, पाकिस्तान कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में है। ओके, श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, बिल्कुल श्रीलंका कहाँ है, साउथ में नीचे बिल्कुल आता है। एक आपको पॉइंट दिया है, डू यू नो, इसके बारे में हम देखते हैं, वी डू नॉट नीड अ वीजा टू विजिट अ नेबरिंग कंट्रीज नेपाल एंड भूटान, यानी कि आपको नेपाल एंड भूटान में जाने के लिए कोई वीजा की नीड नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट है पॉलिटिकल डिवीजन, अगर हम पॉलिटिकल डिवीजन की बात करें, पॉलिटिकल डिवीजन क्या होता है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं, कितनी स्टेट्स हैं, उनकी बाउंड्रीज क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमारी पॉलिटिकल डिवीजन के अंदर आती हैं। अब इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन इसमें आपको गिवन है वैसे 125 करोड़, वैसे 130 करोड़ पॉपुलेशन तक यहाँ पे है हमारी इंडिया के अंदर, और वो बहुत ईजिली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, और इजीली स्पेंड करने के लिए हमारे पूरे इंडिया को कुछ छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, कुछ स्टेट्स हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं। हमारी इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, एंड इंडिया की नेशनल कैपिटल क्या है, दिल्ली, दिल्ली इंडिया की नेशनल कैपिटल है। अब इसमें देखिए, डू यू नो, तेलंगाना जो है, तेलंगाना जो स्टेट है वो अभी बना है, उससे पहले झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड ये तीनों बने थे सन 2000 में। पॉलिटिकल मैप के अंदर क्या दिया हुआ है, आपकी कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कौन कौन सी अदर स्टेट्स की बाउंड्रीज लगती हैं, जैसे हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था, इंडिया के पास कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इसी तरीके से कौन सी स्टेट की कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो होता है हमारा पॉलिटिकल डिवीजन। हमारे इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है, ये हमारा पॉलिटिकल डिवीजन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल मैप, जिसके अंदर आपको क्लियर नजर आ रहा है कि कौन सी स्टेट की बाउंड्री कहाँ तक जा रही है, ठीक है, जिसमें आपको क्लियर स्टेट्स दी होती हैं, उनको हम बोलेंगे पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट आप देखिए, मैंने आपको पहले दिया भी था वर्क कि आपको स्टेट एंड कैपिटल लर्न करनी है, लास्ट क्लास में भी हमने स्टेट एंड कैपिटल लर्न किए थे, अभी फिर से आपको सबसे पहले मैप अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको स्टेट एंड कैपिटल लर्न करनी ही होंगी। ये सारी हमारी स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद,
अमरावती इसकी कैपिटल अभी बनाई जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटॉक, तमिलनाडु चेन्नई, त्रिपुरा अगरतला, तेलंगाना हैदराबाद, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कोलकाता। ये सारी आपकी स्टेट एंड कैपिटल, अगर आपको रीड आउट करना अच्छे से नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से वीडियो को बार बार सुनिए, आपको लर्न हो जाएगा, साथ साथ रिपीट कीजिए। नेक्स्ट आपकी यूनियन टेरेटरीज है और उनकी कैपिटल है। आप देखिए, अंडमान एंड निकोबार हमारी फर्स्ट यूनियन टेरेटरी है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। सेकेंड है हमारे चंडीगढ़, उसकी कैपिटल चंडीगढ़ ही है। थर्ड है दादर एंड नागर हवेली, इसकी कैपिटल है सिलवासा। फोर्थ दमन एंड दीव, दमन। लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल है कावारती। पुडुचेरी, पौंडीचेरी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर एंड जम्मू दोनों है। लद्दाख की कैपिटल है लेह। अब आप देखिए, ये सारी स्टेट एंड कैपिटल, यूनिट्री एंड देयर कैपिटल आपको लर्न करनी है, ये आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट है आपका, हमारे यहाँ टोटल स्टेट्स कितनी है? 29 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में, 9। कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? दिल्ली। लार्जेस्ट स्टेट इंडिया के अंदर सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। हाईएस्ट पॉपुलेशन यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में इंडिया में? उत्तर प्रदेश में है। ये पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकल डिवीज़न, इंडिया की फिजिकल डिवीज़न क्या है, यानी कि वहाँ पे कौन कौन सी अलग अलग टाइप की लैंड फॉर्म्स पाई जाती हैं। लैंड फॉर्म होती हैं अलग अलग टाइप के। देखिए आप, बहुत ज़्यादा माउंटेन कहीं पे होते हैं, कहीं पे बिल्कुल प्लेन एरिया होता है जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह ग्रो ईजिली की जाती है, कहीं पर डेजर्ट एरिया बालू मिट्टी जैसे राजस्थान है, कहीं पर प्लेट्यू पाए जाते हैं जैसे हमारे साउथ साइड पूरा प्लेट्यू पाए जाते हैं यहाँ पे साउदर्न पॉइंट में। इसी तरीके से अलग अलग हमारी जो इंडिया है उसके फिजिकल डिवीज़न किए गए हैं कि कहाँ पे हमारे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, डेजर्ट हैं, प्लेट्यू हैं और आइलैंड्स। ठीक है, जैसे आइलैंड के चारों तरफ क्या है? सिर्फ वाटर वाटर है। इस तरीके से हमें फिजिकल डिवीज़न देखने को मिलते हैं कि अगर आप फिजिकल डिवीज़न का कोई भी मैप लेके आओ तो आपको कुछ इस टाइप का मैप मिलेगा या बिल्कुल ब्लैंक मैप मिलेगा जिसके अंदर आप इजीली बता सकते हो कि उसको फिजिकली किस तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे आप ये ब्राउन एरिया देख रहे हैं, ये क्या है? महान हिमालय। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ या माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे जो भी ब्राउन एरिया है। ये जो ग्रीन एरिया नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्थ साइड का प्लेन जहाँ पे क्रॉप्स बहुत अच्छी ग्रो की जाती हैं। ये जो येलो कलर आपको नजर आ रहा है, येलो कलर में क्या है? डेजर्ट हमारा है, राजस्थान का पार्ट है ये, इसमें बहुत ज़्यादा डेजर्ट है। और ये जो व्हाइट कलर आपको मैप के बीच में बिल्कुल नजर आ रहा है, ये क्या है? हमारा साउदर्न प्लेट्यू, एक प्लेट्यू का पार्ट है ये पूरा कंप्लीट, यहाँ पे सिर्फ प्लेट्यू फैले हुए हैं। नेक्स्ट हमारा ये जो ब्लू लाइन में नजर आ रहा है, ये क्या है? कोस्ट लाइन है, यानी कि ये समुद्र से लगने वाली जगह है जहाँ से समुद्र टच होता है। नेक्स्ट आपको एक और कलर दे रखे हैं, ये सारे क्या है? ये जो पर्पल कलर में गिवन है, ये है आइलैंड्स हमारे। ओके, अब एक बार हम पढ़ लेते हैं। अलग अलग फॉर्म से मैं आपको बता चुकी हूँ, इंडिया को फिजिकली डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट्स में। नॉर्दर्न माउंटेन्स, नेक्स्ट नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, आइलैंड, इन सब पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ये आपको लर्न करना है। अब इन डिवीज़न के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कमिंग चैप्टर्स में, इजी वे में, और थोड़ा डीप में हम इनकी स्टडी करेंगे। क्विक रिवीजन सेकंड को कर लेते हैं एक बार। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। कुछ बच्चे सोच रहे हैं अमरावती भी है बिल्कुल, लेकिन वो अभी एग्जैक्ट नहीं बनी है, अभी हम क्या लिखेंगे? हैदराबाद। नेक्स्ट, ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। ईटानगर कहाँ की कैपिटल है? अरुणाचल प्रदेश की है। स्मॉलेस्ट स्टेट इंडिया की कौन सी है? हमने पढ़ा था स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है? गोवा। एंड बिगेस्ट स्टेट है? राजस्थान। स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में। डू यू नो, देखिए, K2 ऑल्सो नोन एज द माउंट गॉडविन ऑस्टिन। K2 जो कि इंडिया के अंदर एक हाईएस्ट पीक है और ये वर्ल्ड की सेकेंड नंबर की हाईएस्ट पीक है जिसका नाम माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी है। रिकैप देख लेते हैं एक बार इस चैप्टर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट इसका दिया हुआ है आपको, इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया
पूरे वर्ल्ड में 7th नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है। इससे बड़ी जो कंट्रीज हैं वो 1st नंबर पे रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी कंट्रीज इंडिया से बड़ी हैं। और 7th नंबर पे किसकी टर्न है? इंडिया। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया कॉन्टिनेंट में। एंड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम देखें, रैंक अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, इंडिया 2nd नंबर पे आती है, उससे पहले कौन सी है? चाइना। इंडिया के स्ट्रेचिंग यानी कि जम्मू कश्मीर, नॉर्थ टू साउथ अगर देखें हम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो इसकी जो स्ट्रेचिंग है वो 3214 किलोमीटर है। और ईस्ट टू वेस्ट यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक जो इसकी स्ट्रेचिंग थी वो 2933 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव, ये सारी इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, आपको लर्न करनी है सारी। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, इंडिया में 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी है। राजस्थान इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है और गोवा सबसे छोटी स्टेट है। उत्तर प्रदेश वो स्टेट है भारत में जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया को 6 फिजिकल डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। फिजिकल डिवीज़न में आपको बता चुकी हूँ, अगर आपको कोई भी इन रिकैप्स में डाउट है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए अच्छे से और अच्छे से इन चीज़ों को समझिए, एंड आपको एक साथ साथ सारा रिकैप लर्न भी करना है। थैंक यू।